हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड के चयन आयोग की भर्ती के रिगार्डिंग। नई पदों पर भर्तियां काफ़ी अच्छी पद हैं और 12th पास रखी जा रही हैं। आवेदन की पूरी जानकारी आपको बताऊं, सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी के बाद। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में बताया गया है कि भर्तियाँ होंगी। इसमें बताया गया कि प्रदेश में बाघों की सुरक्षा के लिए जो है बनी टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में जो है जल्द भर्तियाँ शुरू होंगी। अभी जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व के लिए 81 पदों का जो है अध्याचन वन विभाग के में अधीन सेवा चयन आयोग को भेजा है। तो अधीन सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। पुष्पनामी ने जो है जल्दी भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। तो शायद अगले महीने तक जो है इसकी विज्ञप्ति निकलने की पूरी चांसेस हैं। और इसमें जो है आपका कार्बेट में जो यहाँ पर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के तहत बनाई गई टीम थी उसके अंतर्गत जो है टोटल 81 पदों की भर्ती की जानी है और अध्याचन जो है भेजा जा चुका है। जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए जो PCF है और धनंजय ने जारी किया है बयान। इसमें कहा है कि हम इतने पदों की भर्ती निकालने वाले, साल में फर्स्ट में जल्द ही आपको 600 से लेकर 800 पदों की भर्ती वो भी देखने को मिल जाएंगी जल्द ही, ठीक है। क्योंकि इसका अध्याचन थोड़ा सा लंबित है, फर्स्ट वालों का वापस गए हैं अध्याचन आने के बाद, और लेकिन ये अध्याचन आ चुके हैं और इन पदों की भर्ती जो है आपकी जल्दी हो जाएगी और 12th बेस पर ही ये भर्ती होनी है। इन पदों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भर्ती होना चाहते, काफ़ी अच्छे पोस्ट आने वाले हैं आगामी 1 महीने के अंतर्गत।